हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले मैंने आपको दिखा दिए थे अपने बापा के मुख दर्शन, और आज हो रही थी हमारे बापा की स्थापना, उसका पूरा व्लॉग रहेगा। और ऐसे कर करके हमने नौ ग्रह बनाना स्टार्ट करें। नौ ग्रह में नौ देवी देवता होते हैं, इंक्लूडिंग रिद्धि सिद्धि माता जो रहती हैं वो अपने कलश के अगल बगल रखी जाती हैं, वो हमने रख दी थी। और उनके नौ ग्रह पे जो जो सामान रखा जाता है वो रख दिया, और उसके बाद हमने की भगवान की आरती, क्योंकि यही होता है लास्ट स्टेप और लास्ट सप्ती आरती। आरती हमने कर ली थी भगवान की, और ये हो गई थी भगवान की फाइनल लुक। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा फाइनल लुक मेरे भगवान जी का, और केले के पत्ते और जो हमने डेकोरेशंस करी थी वो तो भाई माइंड ब्लोइंग लग रही थी, बहुत ही प्यारे लग रहा था। केले के पत्ते हमने हर जगह रखे हुए थे, स्पेशली जो नवग्रह बनाए थे उसके नीचे भी केले के पत्ते थे, कलश के नीचे भी केले के पत्ते थे, हर जगह केले के पत्ते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप लोग भी हमारी तरह डेकोरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा और सिंपल तरीका है। और ये रहा फाइनल लुक। फिर हो गई थी शाम, तो शाम को किचन से भी बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर अगले दिन हो गया था सुबह, और सुबह मैंने की पूजा। सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जल, और जल चढ़ाने के बाद भगवान को चढ़ाया जाता है उनका फेवरेट फ्लावर, तो वो भी चढ़ा दिया था मैंने। और उसके बाद भगवान को मैंने लगाया कुमकुम, और कुमकुम हल्दी और जो चावल होते हैं लोग उसके एक साथ करने के बाद भी लगाते हैं, पर मैं सिंपल कुमकुम लगाती हूँ और बाद में चावल लगाती हूँ। ये लगाने के बाद भगवान को मैंने टीका लगा दिया था। और अब गणेश जी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था उनका दूर्वा, जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने घास दी और घास को दोनों। फिर उसके बाद मैंने दूर्वा का एक अच्छा सा बंडल बना दिया, और बंडल बनाने के बाद मैंने चढ़ाया भगवान को उनका फेवरेट दूर्वा, और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है गणेश जी को। और उसके बाद ये था उनका पहनाने वाला माला, और उसको मैंने थोड़ा सही कर लिया था। और उसके बाद मैंने उनको पहनाया माला, और माला बहुत ही सुंदर लग रहा था उनके ऊपर। और अब बारी थी उनका कल का लड्डू चेंज करने के लिए, हमेशा गणपति जी का मोदक के लड्डू फ्रेश लड्डू से चेंज करा जाता है, तो मैंने ये भी कर दिया था। और अब बारी थी धूप बत्ती जलाने की, तो मैंने धूप को अच्छे से उसके शेप में बना लिया था। और फिर उसके बाद धूप जलाने के बाद मैंने अगरबत्ती भी लगा ली थी, और फिर उसके बाद और भगवान की मैंने अगरबत्ती और धूप बत्ती दोनों जला ली थी और घुमा भी ली थी। अब बारी थी उनका दीपक जलाने थे। दीपक के लिए मैंने लिया था कपूर, क्योंकि अब मेरे यहाँ दूसरी जगह पे भी आरती होती है, मेरे पापा भी आरती करते हैं, वो दीपक जलाते हैं, और मैं आरती करती हूँ कपूर से, क्योंकि नेक्स्ट आरती भी जो होती है हमारे यहाँ वो धूप बत्ती से होती है, तो मैंने आरती कर ली थी भगवान की। और ऐसे करके हो गई थी मेरी सुबह की आरती समाप्त, और ये था मेरे गणेश जी का डे वन। ऐसे ही डे 8 तक ऐसे ही निकलता गया, और अब मैं सीधा दिखाऊंगी आपको विसर्जन वाला व्लॉग, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये था रात में, रात में भी हमारे यहाँ आरती हुई भगवान की, सबने किक करके गणेश जी की आरती हो रही थी, और ये चल रही थी शिव जी की आरती। सो ऐसे करके, और ये जो व्यू था ये था बालकनी का व्यू, यहाँ सब लोग आरती कर रहे थे, और ये रही शिल्प, ये भी हर जगह आके बैठ जाती है। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग बताना कमेंट सेक्शन में।